नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने चल रहे हैं वो है एशियन पेंट का एपेक्स। एपेक्स जो कि एशियन पेंट का भारी दीवारों का पेंट होता है। इसको एशियन पेंट 100% एक्रेलिक वेदर प्रूफ स्मूथ फिनिश इमल्शन कहा जाता है। ये भारी पेंट का भारी दीवारों के लिए पेंट है और बाहर लगभग इसकी 5 से 6 साल लाइफ होती है। कंपनीज में 5 साल की लाइफ कहती है। ये दो वेरियंट में आता है, एक एपेक्स नॉर्मल है और एपेक्स एडवांस आता है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट ये है एडवांस वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ सिलेक्टेड शॉप में मिलता है, जैसे इजी कलर जो एशियन पेंट के जो शॉप है या एशियन पेंट के जो रिटेल एक्सक्लूसिव शॉप है, इजी कलर और एशियन पेंट कलर आइडिया स्टोर, वो सब जगह पर मिलेगा। क्वालिटी थोड़ी सी इससे सुपीरियर होती है और कंपनी का कहना है कि ये थोड़ा सा उससे नॉर्मल एपेक्स है थोड़ी क्वालिटी सुपीरियर है। रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मात्र 10-12 रुपये लीटर का फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, एपेक्स जो है वो मौसम के हिसाब से ही बनाया गया पेंट है, जो कि किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के समय में थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है कि बारिश के समय में अवॉइड किया जाता है, बट ये सभी मौसम लग जाने के बाद, अच्छे से सूख जाने के बाद सभी मौसम में बहुत अच्छे से काम करता है और ये हर मौसम में सुरक्षा देता है। जैसे कि आप ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, ये पेंट एक बार लग जाने के बाद काफ़ी हद तक 4 से 5 साल पेंट बहुत आराम से चलता है। यूवी प्रोटेक्शन देता है ये पेंट, जिससे कि आपकी जो शेड है वो सालों साल बने रहते हैं, जल्दी वो कलर फेड नहीं होता। मिड रेंज का पेंट होता है और कंपनी के जो कई वेरिएंट आते हैं, हायर, मिड और लोअर, मिड रेंज का पेंट है। इसमें आपका काई नहीं लगता है, एंटी एंगल, एंटी फंगस वगैरह जो है इसमें प्रूफ पेंट है, इसमें जल्दी काई नहीं लगती है और शेड वगैरह जो कि आपके मोमटी वगैरह जो होती है उसमें बहुत अच्छे से चलता है ये पेंट। 2500 शेड आते हैं, लगभग 2500 शेड इसमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस पेंट को हम बाहरी दीवारों पे आप धुल भी सकते हैं, कुछ भी आप गंदगी लग जाती है या कोई ऐसा दाग लग जाता है तो आप इसको अच्छे से साबुन से या पानी से धुल सकते हैं। पेंट को धुलने वाला पेंट है, इसमें कोई इसमें कमी नहीं है और पेंट बहुत बिकने वाला, एशियन पेंट का बिकने वाला पेंट है ये। दोस्तों, ये 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैक में मार्केट मिलता है। कई कई जगह पे ये 200 ग्राम के भी सैंपल पैक में मिलता है, कि जिससे कि आप अपने कलर को लगा के दीवारों पे सैंपल पसंद कर सकते हैं कि किस तरीके से वो कलर आपके दीवारों में आ रहा है। कवरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कवरेज जो है 1 लीटर में डबल कोट 55 स्क्वायर फीट से लेकर 60 स्क्वायर फीट बहुत आसानी से आता है। दोस्तों, इसका जो कवरेज है 1 लीटर में 55 से 60 स्क्वायर फीट पर लीटर डबल कोट बहुत आसानी से आ जाता है। इसमें पानी डाइल्यूट किया जाता है, इसमें पानी मिलाया जाता है और 1 लीटर में लगभग 40 से 45% पानी मिलाया जाता है, तब 1 लीटर में आपको 400 से लेके 450 ml तक आप इसमें पानी मिला सकते हैं। लाइफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी लाइफ 5 साल है, कंपनी इस पर रिटर्न करती है, 5 साल की वारंटी इस पर रिटर्न करती है और 5 साल चलता है पेंट बहुत आसानी से। दोस्तों, इसको जो लगाने का तरीका है नॉर्मल, जिस तरीके से नॉर्मल एक्सटीरियर पेंट लगाए जाते हैं उसी तरीके से, कोई इसमें टेक्निकल नहीं आपको कुछ करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले दीवारों को, अगर आपकी नई दीवार बनी है, नई प्लास्टर है, तो उसमें कम से कम कंपनी कहती है कि 28 से 30 दिन दीवार सूखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दीवारों पे 180 नंबर से लेके 220 नंबर के पेपर से पहले अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, जो ग्रीस या गंदगी कुछ भी लगी होती है उसको मजाई करके सफाई करके निकाल देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दीवारों की, अगर आप फिनिश चाहते हैं, दो तरीके से लगाए जा सकते हैं, या सेम जैसी दीवार बनी है उस पर भी आप लगा सकते हैं और या फिनिश चाहते हैं तो पुट्टी लगा के लगा सकते हैं। सीमेंट पुट्टी बाहरी दीवारों पर लगाई जाती है, लगाने के बाद उसको 320 या 400 नंबर के रेगमार पेपर से, एमरी पेपर से उसके अच्छे से फिनिश कर दी जाती है। उसके बाद एक्सटीरियर प्राइमर लगाया जाता है, एक कोट एक्सटीरियर प्राइमर लगाना है, एक्सटीरियर में 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के एक्सटीरियर प्राइमर एक कोट लगाना है। उसके बाद 2 कोट आपको 1 लीटर में 400 ग्राम से लेके 450 ग्राम तक पानी मिला के इसको डबल कोट एपेक्स को लगाना है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि पहले से दूसरे कोट में लगाते समय लगभग 4 से 6 घंटे का समय होना चाहिए और जिस प्रोडक्ट में, जिस पेंट में आपने पानी मिला के बना लिया है, कोशिश करिए उसको 24 घंटे में लगा के ख़त्म कर दीजिए। पेंट कंपनी भी कहती है कि पेंट की जो लाइफ होती है वो लगभग 24 घंटे एकदम परफेक्ट चलता है पानी मिल जाने के बाद, और फिर उसके बाद उसमें बैक्टीरिया वगैरह आने लगते हैं, बहुत बैड स्मेल आती है, बहुत परफेक्ट काम नहीं करता। और जैसे पेंट रखने के डिब्बे की जो लाइफ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से लगभग कंपनी अब 3 साल की ही बताती है, 3 साल बेस्ट बिफोर, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है पेंट।
दोस्तों ये अपने आप में बेस्ट पेंट है और लगाने का जो तरीका बहुत आसान है। मिड रेंज में 5 से 6 साल चलने वाला पेंट है और बहुत बिकता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत डिमांडेड पेंट है और आज तक जनरली इसमें शिकायत नहीं आती है। और पूरे पैसे की आपकी वैल्यू जो भी इसकी कॉस्टिंग आती है, 1 लीटर ये लगभग 316 रुपये का आता है वाइट। इसमें कुछ डार्क शीट आते हैं, सिग्नल रेड इसमें बना बनाया आता है जो कंपनी से रेडी यूज होता है। शेड जो है आप बना सकते हैं किसी भी एशियन पेंट के डीलर के शॉप पे जाके आप 2000 से 2500 शेड बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसका जो बेस होता है, जो इस डिब्बे का बेस होता है, वो उसी बेस में कलर बनाए, जो भी आप कलर पसंद कर रहे हैं उसी बेस में डीलर बनाए। तो दोस्तों इसकी MRP मैं आपको बताऊँ कि कितनी होती है। एक इसमें दोनों प्रोडक्ट जैसे हमने बताया कि आपको एक एडवांस है और एक एडवांस है और एक नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल है वो 316 रुपये, उसमें 1 लीटर की MRP लिख रखी है कंपनी ने, और 4 लीटर की 1220 रुपये, 10 लीटर की 2810 रुपये और 20 लीटर की 5390 रुपये की, ये इसकी MRP है। वाइट की MRP है। कलरिंग कास्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा लगता है। जब आप किसी भी पेंट डीलर के पास जाते हैं, वो मशीन से बना जो कलर बनेगा, जितना लाइट होगा उतना कम, जितना डार्क होगा उतना अधिक कलर आपको उसमें पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में जो हमने आपको बताया कि एपेक्स है। एपेक्स वाकई बिकने वाला पेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, फिनिश इसकी स्मूथ आती है और इस प्रोडक्ट को काफ़ी सालों से लोगों ने इसको पसंद किया है। तो ये एक प्रोडक्ट एशियन पेंट का एपेक्स जो है बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है और अपने आप में बेस्ट प्रोडक्ट है। वाटरप्रूफ है, एक बार भी लग जाने के बाद इसकी लाइफ करीब 5 साल हमने आपको बताई वो है। तो आज दोस्तों बस अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं एपेक्स के बारे में। एक छोटा सा रिव्यू था, छोटा सा ब्लॉग है और बेस्ट प्रोडक्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है। एक बार आप लोग लगाइए, आपको इसको जो भी इसकी वैल्यू है उसका आपके मनी की पूरी वैल्यू मिलेगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपके लिए कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएंगे और धीरे धीरे और भी एशियन पेंट, नैरोलैक, बर्जर, ICI सभी कंपनियों के प्रोडक्ट लेके आएंगे। बहुत सी चीज़ें भी आपको बतानी है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है और हमारे क्या कहते हैं जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे भी जो भी मैं ब्लॉग बन रहा हूँ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने ऐसा एक ब्लॉग बनाया है। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।